हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुमिपा किचन बाय शिल्पा। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस रेसिपी राजा रानी पराठा। सूरत की आंटी है जो बहुत ही फेमस राजा रानी पराठा बनाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है उनका हाथ का पराठा। लेकिन मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो में उनकी तारीफ सुनी है और उनकी रेसिपी देखी, बहुत ही इजी तरीके से बन गए, रेडी हो जाता है। तो मैं आपको वही लेकर आई हूँ राजा रानी पराठा, जो सेम टू सेम मैं वही बनाऊंगी, जो उन्होंने जो जो सामान डाला है मैं भी वही डालूंगी, मैं अपना कुछ भी अलग से ऐड नहीं करूंगी। तो आइए जल्दी से हम सूरत वाली आंटी का राजा रानी पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। यदि आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी पूरा डो लगा सकते हैं, लेकिन यदि परफेक्ट पराठा चाहिए तो दोनों की क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मैदे और आटे की। अब एक बाउल लिया है मैंने, इसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे और मैदा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें ना कोई घी, तेल, बटर कुछ भी नहीं डालना है हमें। गिलास में मैंने पानी लिया है, नमक और आटे को हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम अपने घर में रोटी और पराठे के लिए सॉफ्ट डो लगाते ना, उसी तरीके से हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। पराठे के लिए हमारा डो तैयार हो गया है, ये देखिए मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम मुलायम सा डो होना चाहिए। अब डो को हम बाउल में रख देंगे, इसमें ना ही कोई घी, बटर, तेल कुछ भी नहीं लगाना है हमको। इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं फूलने के लिए। आइए जब तक हम पराठे के साथ खाई जाने वाली चटनी तैयार कर लेंगे। तो जार लेंगे छोटा वाला, इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, 3 हरी मिर्ची डालेंगे क्योंकि चटनी हमें तीखी और चटपटी सी बनानी है, 3 लहसुन की कलियां डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, 1/3 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, 1/3 चम्मच इसमें हींग डाल देंगे, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में, 4 से 5 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जार का ढक्कन लगाकर हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए राजा रानी पराठे के साथ खाए जाने वाली तीखी चटपटी हरी चटनी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, पास से दिखाती हूँ एक बार आपको। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। आइए जब तक हम राजा रानी पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 छोटी साइज की गाजर डालेंगे बारीक कटी हुई, और 4 से 5 मैंने बारीक कटा हुआ बीन्स डाला है। देखिए जो आंटी ने डाला है वही मैं सामान डाल रही हूँ, उन्हें गाजर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी और बीन्स की क्वांटिटी बहुत कम थी, इसलिए मैंने 4 से 5 बारीक कटी हुई बीन्स डाली है और 2 छोटी साइज़ की गाजर काट के डाली है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। ये देखिए मैंने इसको बारीक कट किया है, आप जो भी सामान डालें उसको अच्छा सा बारीक कट कीजिएगा क्योंकि ये स्टफिंग पराठों के लिए बन रही है। बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे मीडियम साइज का, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पराठे को तीखा करने के लिए हमने 2 चम्मच दरमुरी हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं नमक। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच जीरा पाउडर। मैंने वही मसाले ऐड किए जो वो आंटी ने डाले हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने ये वीडियो देखी है, तो उसी तरीके से मैं ये पराठा बना रही हूँ। दोस्तों एक बार इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 उबले हुए आलू को हाथ से अच्छे से मैश करके डाल रही हूँ क्योंकि वो आंटी ने भी हाथ से ही मैश किया था, इसलिए मैं भी हाथ से मैश कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल रहे हैं पनीर, और आंटी ने बहुत सारा पनीर इसमें ऐड किया था, तो मैंने भी इसमें 50 से 60 ग्राम पनीर हाथ से अच्छे से मैश करके इस स्टफिंग में डाल रही हूँ। अब इसमें उन्होंने डाला था चीज़, तो मैं भी इसमें चीज़ डाल रही हूँ, तो इसमें भी मैंने 50 से 60 ग्राम लगभग चीज़ इसमें मैंने डाल दिया है, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और दोस्तों इसमें चीज़ हम मोजरेला चीज़ यूज़ करेंगे जो हम पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ भी डाल दिया है, अब इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे।
दोस्तों एक बार है ना इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। राजा रानी पराठे को मैंने पहली बार बनाया था, रियली दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने इसको जब खाया था ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल बस खाते ही जाओ, इतना यम्मी सा और जूसी सा पराठा बना था रियली। जब से हमने इसको 2 से 3 बार बनाकर खा लिया है दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना हो सके फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और ये देखिए हमारी जूसी सी इतनी सारी वेजिटेबल पनीर चीज़ से मिलकर ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है दोस्तों राजा रानी पराठे के लिए। इसको हम रख देते हैं साइड में, अब हम रख देते हैं गैस पे तवे को गर्म करने के लिए। तो मैंने गैस को ऑन कर देती हूँ, इस पे हम रख देंगे नॉन स्टिक तवा, जब तक तवा गर्म हो रहा है हम जब तक पराठे बना लेते हैं। और ये देखिए 10 मिनट हो गए, ये आटा भी अच्छे से फूल गया है, तो इसको हम अच्छे से मसल के इसको नरम कर लेंगे। तो चलिए हमारा आटा भी अच्छे से मुलायम हो गया है, ये देखिए। अब हम थोड़ा सा आटा हाथ में लेंगे, मतलब थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे, इसकी बड़ी सी लोई बनाएंगे क्योंकि पराठा हमें थोड़ा सा बड़ा और मोटा बेलना है, इसलिए हम आटा थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इसकी बड़ी सी लोई बनाएंगे। ये देखिए आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, अब इसकी हम गोल सी लोई बना लेंगे। ये देखिए इतनी बड़ी हमें लोई बनाना है दोस्तों पराठे के लिए। अब इसको हम चकोटी के ऊपर रखेंगे। अब इस लोई को हमें बेलना है, तो बेलने के लिए मैंने एक प्लेट में पलेथन लिया है, पलेथन में मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ, मैदा यूज़ नहीं करना है हमें। अब इस लोई में हम दोनों साइड से अच्छे से पलेथन लगा लेंगे। अब इस लोई को हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे, हमें इसको थोड़ा बड़ा बेलना है क्योंकि हमें इसके बीच में स्टफिंग रखनी है, तो इसका साइज थोड़ा हम बड़ा रखेंगे। ये देखिए हमने पराठे का इतना बड़ा साइज रखा है ताकि इसमें स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाए। अब इसमें हम एक मुट्ठी भर के स्टफिंग रखेंगे। आप सोचिए दोस्तों हम इसमें एक मुट्ठी भर के स्टफिंग रख रहे हैं तो ये पराठा कितना टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरा एक मुट्ठी भर के स्टफिंग रख दिए। अब इस स्टफिंग को हम पैक कर देंगे, इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है, मैंने आटे को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है, उसी में मैंने उसको दबा दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गोल करके हथेलियों से दबाते हुए हल्का सा बड़ा कर लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। अब इसमें हम दोनों साइड थोड़ा सा पलेथन लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलिएगा दोस्तों क्योंकि इसमें है ना पनीर और चीज़ है, उसमें हल्का सा पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो ये हल्का सा फट सकता है आपका पराठा। लेकिन आप घबराइए मत क्योंकि हम घर में भी नॉर्मली ये पराठा बनाते हैं, एक दो तो हमारे फट ही जाते हैं। यदि आपका ज़्यादा फटता है तो आप थोड़ा सा डो लेकर उसमें आप चिपका सकते हैं और उसमें आप बेल सकते हैं। थोड़ा सा पलेथन लगा रही हूँ और इसको बेल रही हूँ, हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही छोड़ना है। ये देखिए राजा रानी पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हमें इसको सेकना है, तो हल्के हाथ से हम धीरे से उठाएंगे इसको। अब तवा भी हमारा गर्म हो गया है तो इसको हम तवे पर रख देंगे, गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और इसको हम 10 सेकंड तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 सेकंड बाद हम इसमें बटर डालेंगे, तो मैंने इसमें पूरा 2 चम्मच बटर का यूज़ किया है क्योंकि उन आंटी ने भी बहुत सारा बटर डाला था, तो मैं भी इसमें 2 चम्मच भर के बटर डालूंगी। तो तवे पर हम पहले बटर को फैला लेते हैं ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। और दोस्तों बटर में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि इस पराठे में जितना ज़्यादा बटर होगा ये उतनी अच्छी तरीके से सिकेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि हम जब मार्केट का पराठा खाते तो लगता है ना हमको बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होती है, उसमें भर भर के बटर होता है, चीज़ होता है, पनीर होता है। तो इसी तरीके से आप घर पर भी इसको भर भर के बटर पनीर चीज़ से बनाइएगा दोस्तों, रियली बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये बटर हल्का सा पिघल गया तो मैं इसको ऊपर भी अच्छे से फैला रही हूँ। तवे को तिरछा करते हुए, पराठे को हल्का सा उठाते हुए हम पूरे में अच्छे से बटर को फैला लेंगे ताकि ये देखिए मैं थोड़ा सा पराठा ऊपर उठाते हुए बटर को अंदर कर रही हूँ ताकि ये एक साइड से पराठे में अच्छे से बटर चला जाए। और ये देखिए हमारा पराठा एक साइड से हल्का सा सिक गया है, खुशबू सी आने लगी है दोस्तों। तो मैं इसको हल्के हाथ से पलट दूंगी, इसको हल्के हाथ से पलटिएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इसमें पनीर और चीज़ मिला होता है। थोड़ी सी सब्जी निकल गई तो हम वापस से पराठे में लगा देंगे इसको,
और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छा सा सेक लेंगे। और दोस्तों, आप मुझे इसी तरीके से हेल्दी, टेस्टी, इजी रेसिपी के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा। तवे को तिरछा करते हुए हम अच्छे से बटर से इस पराठे को सेक लेंगे। हाथ से अच्छे से घुमाते हुए हम इसको सेक लेंगे। और ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। ये देखिए, वाओ कितना अच्छा सिका है ये। तो एक साइड से और मैं फिर से अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरी साइड से भी ये पराठा हमारा अच्छे से सिक गया है। अब मैं पलट देती हूँ इसको हल्के हाथ से। तो ये देखिए, हमारा राजा रानी पराठा दोनों साइड से अच्छा सा सिक गया है। अब इसको मैं धीरे से प्लेट में निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। और ये देखिए, हमारा राजा रानी पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब इसमें तवे पर हम डाल देंगे आधी चम्मच बटर। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारी स्टफिंग जो हमने बनाई हुई थी वेजिटेबल और पनीर और चीज़ से मिलाकर, वो हम इसमें डाल देंगे। स्टफिंग हम इतनी ले लेंगे जितनी पराठे के ऊपर आसानी से आ जाए। तो बहुत सारी हमने स्टफिंग इस तवे के ऊपर रख दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मेयोनीज दोस्तों। अब इस मेयोनीज को हम स्टफिंग के साथ और बटर के साथ अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए मिलाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस पराठे को। तो ये देखिए, मेयोनीज इस बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं ताकि हल्की सी सिक जाए। तो हम इसको अब बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, 10 से 15 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से सिक गई है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये अच्छे से मिल गई है स्टफिंग, मेयोनीज और बटर। अब इस स्टफिंग को हम पराठे के ऊपर रखेंगे। सॉरी दोस्तों, उन आंटी ने पहले पराठे को कट किया था फिर इसके ऊपर स्टफिंग रखी थी, तो मैं पराठे को कट करना भूल गई थी। तो मैंने सीधा स्टफिंग रख दी है, हम बाद में पराठे को कट करेंगे। तो स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे। कोई कह सकता है इस पराठे को देख के कि हम ये राजा रानी पराठा बना रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पिज्जा तैयार कर रहे हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं और वो पिज्जा की ज़्यादा जिद करते हैं, तो आप इतना हेल्दी वेजिटेबल से भरा हुआ पराठा उनको बनाकर खिला सकते हैं दोस्तों। उनको ये पराठा बहुत ही पसंद आएगा। और ये देखिए, स्टफिंग को मैंने पराठे के ऊपर अच्छे से फैला ली है। मैं कट करना भूल गई थी पराठे को, तो मैं बाद में इसको कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने पराठे को अच्छे से कट कर दिया है। अब स्टफिंग को मैं वापस से अच्छे से इसमें फैला लूंगी पराठे के ऊपर। तो ये देखिए, स्टफिंग इस पराठे के ऊपर अच्छे से फैल गई है। थोड़ा सा टाइम लगा हमें पराठा बनाने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा। एक व्यक्ति एक पराठा आसानी से खा लेता है। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं मोजरेला चीज़। तो ढेर सारा हम इसमें चीज़ डाल देंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, भर भर के हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। तो इसको अच्छे से कद्दूकस कर रहे हैं चीज़ को। तो ये देखिए, मैंने बहुत सारा भर भर के इसमें चीज़ को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सूरत वाली आंटी का राजा रानी पराठा सेम टू सेम बनकर रेडी हो गया है। वो इस पराठे को हरी चटनी के साथ टेस्ट कराती है, टमाटो केचप और दही के साथ टेस्ट कराती है। तो मैंने भी कटोरी में हरी चटनी, दही और टमाटो केचप रख दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी लोगों को ये राजा रानी पराठे की रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जूसी सा यम्मी सा राजा रानी पराठा सूरत वाली आंटी का सेम टू सेम बनाकर मैंने रेडी कर दिया है। तो इसको आप जल्दी जल्दी बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ये देखिए, पराठा हमारा गरम है तो चीज़ कितने अच्छे तरीके से पिघल रहा है इसमें, बिल्कुल उन्हीं जैसा मैंने राजा रानी पराठा बनाया है। तो मेरे को तो बनाते बनाते भूख लगने लगी दोस्तों, तो मैं जल्दी से इसको तोड़कर सबसे पहले हरी चटनी के साथ टेस्ट करूँगी। ये देखिए, आपको पास से दिखा रही हूँ, आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो जल्दी से इसको बनाइएगा।
अब मैं इसको दही के साथ टेस्ट करूँ। ये देखिए, कोई कह सकता है पराठा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा हम पिज्जा खा रहे हैं। अब इसको हम दही के साथ टेस्ट करेंगे। आपको खाना है दोस्तों तो जल्दी से बनाइएगा। हम फिर मिलते हैं इसी तरीके से हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।